I gave you my heart. सो गाइस मेरे को प्लस टू दी प्रॉब्लम्स बहुत आ रही सीगियां, खास करके फंक्शंस टॉपिक पे। तो ये वीडियो मैं लेके आया फंक्शंस दे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल्स जो आप करन जा रहे हैं हूँ, जिन्हों के मैं पहला एग्जांपल सोल्व कर रहा हूँ। तो स्टेटमेंट तुसी देख सकते हो, आप स्टेटमेंट देख सकते हैं, हिंदी में आ जाते हैं, नहीं तो सोचोगे पंजाबी में क्यों करा रहे हैं। ओके, तो फटाफट क्वेश्चंस करते हैं, जल्दी पेज पे इसलिए करा रहा हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स कवर हो सके। इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल्स टू रियल्स डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, अगर एफ क्या हो, एक फंक्शन हो, कहां से कहां, रियल से रियल, यानी उसका डोमेन भी रियल, कोडोमेन भी रियल, और डिफाइन कैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, तो चेक कीजिए फॉर 1 1 एंड ऑन 2। तो पहले हम 1 1 के लिए चेक करते हैं, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 4 1 1, लेट हम ये मान के चलते होते हैं एक्स वन और एक्स टू कोई दो पॉइंट है, कहां से, डोमेन में से, और डोमेन यहां पे क्या है, रियल, सच दैट इस तरह से लेके चलते हैं एफ ऑफ एक्स वन बराबर होता है किसके, एफ ऑफ एक्स टू के, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स कोस एक्स है ना, तो अगर एफ ऑफ एक्स कोस एक्स है तो एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू क्या होगी, वो बराबर हो जाएगी कोस एक्स वन इज इक्वल टू कोस ऑफ एक्स टू। ठीक है, यानी कि अगर मैं इससे लिखना चाहूं तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कोस एक्स वन माइनस कोस एक्स टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, कोस एक्स वन माइनस कोस एक्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो। यहां मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं कोस सी माइनस कोस डी का, जो कि होता है टू साइन सी प्लस डी बाय टू इंटू में साइन सी माइनस डी बाय टू दैट इज एक्स वन माइनस एक्स टू बाय टू इज इक्वल टू जीरो। अब दो नंबर की प्रोडक्ट, दो तो उधर जाके मर्जी हो जाएगा, जीरो में खत्म हो जाएगा, साइन और इस साइन की और इस साइन की प्रोडक्ट जीरो, इसका मतलब ये कब होती है, जब उसके अंदर एंगल भी जीरो हो, यानी कि या तो एक्स वन प्लस एक्स टू बाय टू जीरो हो या फिर एक्स वन माइनस एक्स टू बाय टू कितना हो, जीरो हो। तो दो पॉसिबिलिटी होगी, यहां से तो मेरे को मिलेगा एक्स वन बराबर है किसके, माइनस एक्स टू के, क्योंकि दो उधर जाके जीरो हो जाएगा, और यहां से मेरे को क्या मिलेगा कि एक्स वन बराबर है किसके, एक्स टू के, पर हमें सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी चाहिए होती है। यहां पे कितनी पॉसिबिलिटी बन गई, दो पॉसिबिलिटी बन गई, तो ये 1 1 नहीं है। ऑन टू की बात करूं तो देखो रेंज क्या है इसकी, कोडमेन क्या है, रियल, लेकिन फंक्शन क्या है, कोस एक्स। अगर मैं यहां पे इसकी बात करूं तो फंक्शन की जो डोमेन है वो रियल से, कोडोमेन भी रियल से, लेकिन फंक्शन इनपुट ले रहा है कोस एक्स, लेकिन कोस एक्स ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट क्या देगा, माइनस वन से वन है ना, माइनस वन से वन तक ज्यादा रिजल्ट दे सकता है। तो क्या कोडोमेन के सारे मेंबर जितने भी सारे रियल थे वो काम में आएंगे, नहीं, सिर्फ जुड़ने में काम में कौन आएगा, माइनस वन से वन तक। तो जितने भी मेंबर हैं रियल्स में, किन को छोड़ के, माइनस वन से लेके वन को छोड़ के, कोई भी काम में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि ऑन टू कब होता है, जब कोडमेन का हर मेंबर काम में आने लग जाए, लेकिन कोडमेन के सिर्फ कितने मेंबर जुड़ने में काम में आएंगे, माइनस वन से वन तक, क्योंकि फंक्शन रिजल्ट क्या देगा, माइनस वन से वन तक। तो समझ आ गया, तो ये जो कोस एक्स जो फंक्शन था ना, तो ये 1 1 था ना ही ये ऑन टू था। अगर कोई बाई चांस लगे आपको कुछ समझ नहीं आया, कोई गड़बड़ लग रही हो तो बता देना, दोबारा से पाक कैरी कर लेंगे। ओके, चलिए अब चलते हैं एग्जांपल नंबर सेकंड की ओर, जो कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है, आपको पहला समझ आ गया होगा, दूसरा देखते हैं। चेक फॉर 1 1 एंड ऑन टू, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल्स टू माइनस वन टू वन, ये इसकी जो रेंज है ना, इसका जो कोडमेन है वो खास है, माइनस वन से बड़े लेने हैं नंबर और वन से छोटे लेने हैं, यानी कि इसकी जो रिजल्ट आएगा वो माइनस वन से तो बड़ा आएगा और वन से छोटा आएगा, कुछ भी आ सकता है, 0.5, 0.2, 0.3 कुछ भी आ सकता है, बस माइनस वन से बड़ा और वन से छोटा। और जो फंक्शन है वो डिफाइन है कुछ इस तरह से, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स बाय वन प्लस मोड ऑफ एक्स, एक्स बाय वन प्लस मोड ऑफ एक्स। इस फंक्शन को, जितने भी मोड वाले क्वेश्चन होंगे, आपको पहले हर फंक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रेकिंग कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो मैं सोल्यूशन कर रहा हूं हेयर, यहां पे जो फंक्शन दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है, एक्स बाय में वन प्लस मोड ऑफ एक्स। मैं आपको बता दूं जो मोड के फंक्शन होते हैं उनके अंदर नेगेटिव रिजल्ट भी पड़े होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं इस मोड के अंदर, तो आपको ब्रेक करना है। अब ये जो एक्स है वो नेगेटिव कब होता है, जब जीरो से छोटा हो, और एक्स पॉजिटिव कब होता है, जब जीरो से बड़ा हो। तो ये मोड के अंदर दो रिजल्ट हो सकते हैं, या तो नेगेटिव रिजल्ट हो सकते हैं या पॉजिटिव रिजल्ट हो सकते हैं।
तो मैं यहां पे ब्रेक करता हूं इसको हेयर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ब्रेकिंग कैसे करनी है, एक्स बाय में ऊपर वाले का तो मोड है नहीं उसका, तो पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर नहीं, नीचे इस मोड के अंदर हो सकता है नेगेटिव हो, नेगेटिव कब होगा जब एक्स छोटा हो किससे, जीरो से, या क्या हो सकता है इस नेगेटिव की बजाय क्या पढ़ाओ इस मोड के अंदर पॉजिटिव एक्स पढ़ाओ, ये कब होगा जब एक्स बड़ा या बराबर हो किसके, जीरो के। आप ऐसे ब्रेकिंग कर लेंगे, उसके बाद में हम चेक करेंगे वन वन, तो पहले हम वन वन चेक करते हैं, फोर वन वन, तो वन वन के लिए क्या करेंगे हम लेट कर लेंगे, चेक कर रहे हैं हम पहले x जब जीरो से छोटा है, आपको पहले एक अपनी डिजायर सेट करनी है कि आप जीरो से छोटे के लिए चेक कर रहे हैं वन वन या नहीं, क्योंकि जीरो से छोटे के लिए अलग क्वेश्चन बन गया, जीरो से बड़े के लिए अलग क्वेश्चन बन गया, ये दो क्वेश्चन हो गए, इसको अलग से वन वन ऑन टू चेक करना है, इसको अलग से वन वन ऑन टू चेक करना है, यानी एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन, तो लेट x टेंडिंग टू जीरो के लिए हम पहले चेक कर रहे हैं, तो मान लेते हैं लेट x1 एंड x2 बिलोंगिंग टू इसमें से, किसमें से, डोमेन में से, रियल में से, सच दैट x1 और x2 दोनों किससे छोटे हैं, जीरो से, क्योंकि पहले मैं किसके लिए चेक करना चाहता हूं जब x किससे छोटा है मेरा, जीरो से, जब x मेरा छोटा है, ओके। तो अगर x1 x2 मैंने रियल में से लिए, इस तरह के लेते हैं, सच दैट हम ऐसे लेते होते हैं कि एफ ऑफ एक्स वन बराबर होता है किसके, एफ ऑफ एक्स टू के, तो एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक्स वन बाय में वन माइनस एक्स वन, और क्योंकि छोटे वाला यूज कर रहा हूं तो ये यूज करना है, समझ रहे हो ना, ये वाला माइनस वाला, जब एक्स जीरो से छोटा होता है तो फंक्शन कुछ ऐसा है, ऐसा है तो उसके हिसाब से रिजल्ट बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स टू बाय में वन माइनस में एक्स टू, क्योंकि दोनों छोटे हैं जीरो से, दोनों छोटे हैं जीरो से, जब छोटा होगा तो फंक्शन ये यूज करना है। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और इसको सोल्व करते हैं तो ये देखें, ये बनेगा एक्स वन माइनस एक्स वन एक्स टू इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स टू, ये कैंसिल हो जाएगा और यहां से आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही रिजल्ट मिलेगा, एक्स वन बराबर है किसके, एक्स टू के। हम लेके ये चले थे तो मिल हमें ये पॉइंट इक्वल हो गए, तो यानी फंक्शन क्या है, वन वन, लेकिन किसके लिए, जब एक्स जीरो से छोटा है। दूसरे केस में जब एक्स क्या हो, जीरो से बड़ा या बराबर, दूसरा केस लेके चल पड़े हैं, जीरो से बड़ा या बराबर, और अब हम दो पॉइंट ले रहे हैं फिर से वही, लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंगिंग टू रियल सच दैट, इस तरह के ले रहे हैं कि एक्स वन और एक्स टू ये भी दोनों जो है ना बड़े हैं किससे, जीरो से, और इस तरह से लेते होते हैं कि एफ एक्स वन किसके बराबर रहे, एफ ऑफ एक्स टू के बराबर रहे, राइट। तो यानी कि एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू, अब कौन सा रिजल्ट यूज करूं, ये वाला जिसमें जीरो से बड़ा था, क्योंकि यहां पे केस कर रहा हूं जीरो से बड़े वाला, तो ये वाला पुट करना है, तो एक्स वन बाय में वन प्लस एक्स वन हो जाएगा, उधर हो जाएगा एक्स टू बाय में वन प्लस एक्स टू हो जाएगा। अगर इसको सोल्व करेंगे तो हमें यहां से मिलेगा एक्स वन प्लस एक्स वन एक्स टू इज इक्वल टू एक्स टू प्लस एक्स वन एक्स टू, ये फिर से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमें कब मिला, जब एक्स वन बराबर है किसके, एक्स टू के। हम लेके क्या चले थे, एफ एक्स वन बराबर है किसके, एफ ऑफ एक्स टू के, मिला हमें ये पॉइंट इक्वल गए, तो यानी इस केस में भी फंक्शन क्या है, वन वन, यानी कि जीरो के छोटे के लिए भी वन वन है, जीरो से बड़े बराबर के लिए भी वन वन है, तो एक बात पक्की हो गई, फंक्शन हर केस में क्या है, वन वन है। अभी हम चेक करेंगे फंक्शन को क्या ओम टू है या नहीं, उसके लिए भी हम दोनों स्टेप से करेंगे। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है इस पेज का तो आप ले सकते हैं, ओके। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं इसी का पार्ट का ओम टू। नाउ वी हैव टू चेक आइदर द फंक्शन इज ओम टू और नोट। नाउ वी हैव टू चेक फंक्शन इज ऑन टू और नोट। इसमें भी दो केस बनाने पड़ेंगे। फर्स्टली वी चेक ऑन टू फोर, ऑन टू फोर जब एक्स बड़ा हो किससे, बड़ा हो बराबर हो जीरो से, ठीक है, मैं एक करवा रहा हूं, एक आप अपने आप कर लेंगे। एक्स जब बड़ा या बराबर है किससे, जीरो से, वी नो दैट इन दैट केस अगर एफ एक्स की बात करी जाए तो एफ एक्स कैसा रिजल्ट देता है, एक्स इज एक्स बाय वन प्लस एक्स, उसमें पॉजिटिव रहता है ना मोड की जगह, वो पॉजिटिव एक्स आता है, आपको पता होगा, ठीक है। लेट y बिलोंगिंग टू कोडमेन, y इज फ्रॉम कोडमेन, कोडमेन क्या था, माइनस वन से वन तक, सच दैट इस तरह का लिया है कि f ऑफ x किसके बराबर रहे, y के। f ऑफ x किसके इक्वल है, x y में वन प्लस एक्स के इक्वल, किसके इक्वल है, y के। अब हम यहां से x की वैल्यू निकालते होते हैं y में, आपको याद होगा ये सारा केस मैं समझा रहा हूं, x जब बड़ा है किससे, जीरो से या बराबर है जीरो के। तो यहां से x की अगर मैं बात करूं तो यहां से मिला मेरे को x इज इक्वल टू वन प्लस एक्स वाई, मिल गया, देख लीजिए आप, x इज इक्वल टू वाई प्लस, सॉरी y प्लस एक्स वाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ली,
ठीक है। उसके बाद में एक्स वाले टर्म एक साथ ले आए, एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई आ गया, यहां से एक्स कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा वन माइनस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू वाई, तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी वाई बाय वन माइनस वाई। एक बात देखी, अब यहाँ पे x डिफाइन रहेगा, x हमेशा रियल मिलेगा, बट आप y की जगह 1 नहीं पुट कर सकते। हेयर y कैन नॉट इक्वल टू 1, समझ गए ना क्यों? क्योंकि नीचे 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, बट पर हमें तो y दिया हुआ है, कहां से कहां माइनस वन से 1, यानी माइनस वन या 1 तो पुट करना ही नहीं। सो x इज ऑलवेज फ्रॉम रियल, सो अगर हम y को माइनस वन से लेके 1 तक पुट करते रहेंगे तो हमें हमेशा x किस में से मिलेगा, रियल में से। सो फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू। लेकिन ये मैंने किसके लिए चेक किया, बड़े बराबर से जीरो के लिए। आप सिमिलरली दूसरे केस में ये ले लेंगे, एक्स वन माइनस एक्स किसके इक्वल ले लेंगे, वाई के इक्वल, और वहां पे फिर से वैसे करेंगे सेम टू सेम प्रोसेस में आपका ऑन टू हो जाएगा। तो ये फंक्शन आपका ऑन टू भी है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि वन वन और ऑन टू में ही है। ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, ये पेजेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो बच्चे व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं उन्हें भी मिल जाएंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एफ इज अ फंक्शन, इफ थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूं, इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम, एक मिनट, आप लोगों को सही दिख तो रहा होगा, यस, इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 से लेके रियल्स तक, सच दैट, मैंने इस तरह से डिफाइन किया एफ ऑफ एक्स बराबर है मेरा साइन एक्स के, और g इज ऑल्सो फंक्शन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, वो भी रियल्स तक है, और यहाँ पे जी एक्स जो है मेरा डिफाइन है कोस एक्स से। वो कहते हैं चेक करो क्या f प्लस जी वन वन है या नहीं है। देखो पहले तो f प्लस जी डिफाइंड है या नहीं, ये देखना पड़ेगा कि हम f प्लस जी बना सकते हैं या नहीं बना सकते। दोनों के डोमेन कोडोमेन कंपेयर करो, डोमेन कोडोमेन सेम है तो आप f प्लस जी बना पाओगे। डोमेन इसका क्या है 0 से पाई बाय 2, उसका डोमेन भी क्या है 0 से पाई बाय 2, उसका कोडोमेन क्या है रियल, इसका कोडोमेन भी क्या है रियल, तो f प्लस जी यहाँ पे इज वेल डिफाइंड। सॉल्यूशन अगर f प्लस जी की बात करें तो सीधा बनेगा f वाला फंक्शन साइन x प्लस में g वाला फंक्शन, और ये जो f प्लस जी बनेगा ना उसका भी डोमेन जो होगा वो वही डोमेन होगा जो f और g दोनों शेयर कर रहे थे, दैट इज 0 से पाई बाय 2, और कोडोमेन क्या होगा रियल्स। अब हम 1-1 और ऑन 2 को चेक करते हैं, ये 1-1 नहीं है क्योंकि 1-1 होने के लिए हम दो पॉइंट लेके चलते हैं, हम वैसा कुछ नहीं कर रहे, सिंपल दिखा रहा हूं। लेट, मैंने मान लिया वी पुट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, एट x इज इक्वल टू, अगर f प्लस जी की वैल्यू निकालते हैं किस पॉइंट पे 0 पॉइंट पे, तो अगर किसी को f प्लस जी बोलने में दिक्कत हो रही है तो उसको कोई नया नाम दे दीजिए, आप h नाम दे दीजिए, तो मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ h की वैल्यू 0 पे निकाल रहा हूँ, यानी f प्लस जी की वैल्यू 0 पे निकाल रहा हूँ, x की जगह 0 पुट कर दो तो साइन 0 प्लस कोस 0, साइन 0 इज 0 प्लस कोस 0 इज 1, तो f प्लस जी की वैल्यू 0 पे कितनी है 1, यानी h की 0 पे वैल्यू, इस नए फंक्शन h की, इस नए फंक्शन को मैंने h नाम दे दिया था, इस h की वैल्यू 0 पे कितनी है 1। अब मैं h की वैल्यू निकाल रहा हूँ पाई बाय 2 पे, किस पे पाई बाय 2 पे, यानी f प्लस जी की वैल्यू निकाल रहा हूँ किस पे पाई बाय 2 पे, अगर पाई बाय 2 पे निकालता हूँ तो ये हो जाएगा साइन पाई बाय 2 प्लस में कोस पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 हो गया 1, कोस पाई बाय 2 0, अगेन कितना आ गया 1, यानी h की पाई बाय 2 पे वैल्यू भी कितनी है 1। अब यहाँ पे देखो h की 0 पे और h की पाई बाय 2 पे वैल्यू सेम आई ना, क्योंकि h की 0 पे भी 1 है, h की पाई बाय 2 पे भी क्या है 1, पॉइंट्स अलग अलग हैं, एक ये वैल्यू 0 पे, ये वैल्यू पाई बाय 2 पे, लेकिन पॉइंट अलग अलग है फिर भी जो रिजल्ट है वो सेम है। ऐसा कब होता है, ये तो मैनी टू वन हो गया, क्योंकि 0 पे भी फंक्शन कितना रिजल्ट दे रहा है 1, पाई बाय 2 पे भी फंक्शन कितना रिजल्ट दे रहा है 1, सो फंक्शन इज मैनी टू वन। ये फंक्शन कैसा है, मैनी टू वन, अगर मैनी टू वन है तो वो 1-1 नहीं होगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं मोड एक्स का एक क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स चेक फॉर 1-1 और ऑन 2, और उसने यहाँ पे डोमेन एंड कोडोमेन दोनों आपको दिए हैं रियल्स टू रियल्स। अब देखो फिर वही बात मैंने आपको कहा था कि अगर डोमेन और कोडोमेन दिया हो और मोड का फंक्शन हो तो आपको पहले ब्रेक करना है एफ ऑफ एक्स। अब ये अकेला मोड वाला फंक्शन है, या तो ये नेगेटिव रहेगा या ये कैसा रहेगा पॉजिटिव, नेगेटिव कब रहेगा जब एक्स 0 से छोटा हो, ये क्या रहेगा जब 0 या 0 से बड़ा हो, क्योंकि इस मोड के दो आंसर हो सकते हैं, या तो 0 से बड़े या 0 से छोटे के लिए ना, 0 से छोटे के लिए तो फंक्शन के अंदर हमेशा कैसा मिलेगा नेगेटिव, मोड हटाना है लगाना नहीं है, लगाते हैं तो हर चीज पॉजिटिव कर देता है, हटाते हैं तो उसके अंदर वाली चीज आती है, हो सकता है उसके अंदर पॉजिटिव हो रहा होता है, उसके अंदर नेगेटिव हो रहा होता। तो फिर वही पहले हम 1-1 चेक करते हैं फॉर 1-1, तो
तो आप पहले x इज लेस देन जीरो के लिए चेक करेंगे, तो दो पॉइंट ले लेंगे, एक्स वन एक्स टू किससे छोटे ले लेंगे, जीरो में से छोटे ले लेंगे, और दोनों लेने कहां से, लेने तो अपने को रियल में से है, डोमेन में से, और इस तरह से लेने हैं सच दैट एफ ऑफ एक्स वन किसके बराबर है एफ ऑफ एक्स टू के। एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू जीरो से छोटे के लिए क्या रहेगी, माइनस एक्स वन, उसकी जीरो से छोटे के लिए क्या रहेगी, माइनस एक्स टू, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, ठीक है। तो जीरो से छोटे के लिए तो वन वन हो गया, जीरो से बड़े के लिए देखते हैं तो वो सेम वही करेंगे, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वन, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स टू, और इस बार नेगेटिव नहीं आएगा, सीधे मिल जाएगा। तो जीरो से बड़े के लिए भी फंक्शन कैसा है, वन वन, क्या ये ओन टू है। देखो अब मैं एक चीज बताता हूं, फंक्शन क्या है, फंक्शन है मोड एक्स, इधर भी रियल पड़ा है, इधर भी रियल पड़ा है, इस रियल में माइनस वन है, जीरो है, वन है, इधर भी सारे रियल है, माइनस वन, जीरो, वन, बहुत सारे पॉइंटों वाले सब कुछ है, लेकिन जब माइनस वन इस मोड में गया तो इसने रिजल्ट क्या बना दिया, वन, और जब वन इस मोड में गया तो भी रिजल्ट उसने क्या बना दिया, वन, यानी कि इसमें से सिर्फ पॉजिटिव वाले काम में आ रहे हैं या जीरो काम में आएगा, जीरो पुट करेंगे तो क्या नेगेटिव वाले जुड़ेंगे, क्या मोड कभी नेगेटिव आंसर देगा, नहीं देगा, तो ये जो कोडमेन में रियल पड़े हैं इनमें से नेगेटिव तो जुड़ ही नहीं पाए, तो आप बोलेंगे ऑल द नेगेटिव फ्रॉम कोडमेन, किसमें से, कोडमेन में से, आर नॉट रिलेटेड, वो क्या है, रिलेटेड नहीं है, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन जो है वो आपका क्या नहीं है, ऑन टू नहीं है। तो ये आपकी प्रॉब्लम्स हो गई, इससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस हैं, आपका मोटा मोटा सारा डाउट मैंने कंसीडर कर लिया है, इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को फिर से कमेंट, व्हाट्सएप जैसे मर्जी भेजना चाहे भेज लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारे आएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, उनके भी डाउट, और अगर आपको ये पेज चाहिए व्हाट्सएप पे तो आपको ये मिल जाएंगे। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, और हमारी थर्ड चैप्टर की वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी ये प्रॉब्लम्स दूर करनी जरूरी थी जो कि आज हो गई। इसी के साथ अलविदा लेते हैं, जय हिंद, खुश रहो, आबाद रहो। I gave you my heart.